हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लड क्लोटिंग। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आपको किसी न किसी प्रकार की कोई चोट लगती है और वहां से मान लो क्या होता है ब्लड निकलता है, तो 2 से 3 मिनट तक तो क्या होता है जहां पर आपको चोट लगी थी वहां से क्या होती है ब्लीडिंग होती है ना। लेकिन फिर क्या होता है कुछ समय बाद क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है वहां पर क्या होता है ब्लड का चक्का जम जाता है। आपने देखा होगा ना, मतलब वो ब्लड जो होता है क्या कर जाता है क्लोट कर जाता है, वहां पर आपको एक येलोइश फ्लूड दिखाई देता है। तो ये जो क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है, मतलब आपकी जो आपको जहां पर चोट लगी थी वहां पर ब्लीडिंग हो रही थी, तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो कैसे रुकती है, कैसे इसका स्टॉपेज होता है, तो आज हम ये प्रोसेस को डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है कई मैकेनिज्म होती है और ये जो ब्लीडिंग की क्या होती है यहाँ पर 3 स्टेजेस होती है। जैसे कि पहले स्टेजेस की बात करते हैं, तो पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में क्या होता है कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं एक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि सीरोटोनिन, जो कि क्या होता है एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और ये क्या करता है जहां पर आपको चोट लगती है वहां की ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि वहां से क्या हो कम अमाउंट में ब्लड फ्लो हो, ताकि वहां पर ब्लड का लॉस कम हो जाए, ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। और तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो तीसरी स्टेज में क्या होता है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो आज हम इन्हीं 3 स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सारी स्टेजेस है इनको डिटेल में देखने से पहले मैं आपको जो बतला रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या करूंगा अभी लेक्चर के अगले 10 मिनट में आपको ब्लड क्लोटिंग जो है इसकी पूरी मैकेनिज्म बता दूंगा और आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएगी। बस आपको क्या होना है अलर्ट होना है और ध्यान से अगले 10 मिनट तक आपको लेक्चर को सुनना है। और मैं आपको जो बतला रहा हूँ एकदम अलर्ट होकर सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है या ब्लड क्लोटिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा फिट बैठ जाएगा। उसके बाद जब मैं नोट्स पढ़ूंगा ना तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको कोई इंजरी होती है तो वहां पर क्या होता है ब्लड जो होता है वो क्या कर जाता है क्लोट कर जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, कि ये जो ब्लड है वो ब्लीडिंग होती है, जब मतलब इंजरी होती है तो वहां से क्या होता है ब्लीडिंग होती है तो वो क्लोट कर जाता है। चलो ये तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ब्लड जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है तो ब्लड वेसल्स में ये ब्लड क्लोट क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, इसके पीछे कई रीजन है जिस कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्लोट नहीं करता है। जैसे कि पहला रीजन तो क्या होता है, पहला रीजन तो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इसकी जो इनरमोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं एंडोथेलियम, वो क्या करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। जैसे कि बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर एडीपी डिसफॉस्फेटेस हो गया, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिंस हो गए, PGI2 हो गए, है ना। ये कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं क्या करते हैं प्लेटलेट्स को जो कि क्या होता है इम्पोर्टेंट क्या होता है ये प्रोटीन होता है क्या के लिए कोगुलेशन के लिए। तो ये जो प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं एंडोथेलियम पर स्टिक नहीं होने देते हैं, है ना। पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन तो क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हिपेरिन, जो कि क्या करता है ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। और तीसरा रीजन क्या होता है, तीसरा रीजन तो ये होता है कि ब्लड में क्या होता है जो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और ये एक्टिव कब होते हैं, ये एक्टिव कब होते हैं जब आपको इंजरी होती है और जब आपको क्या होता है कोलेजन फाइबर क्या होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं, और ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं जब कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं स्टिक होते हैं तो ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 3 रीजन हो गए, है ना। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं लेकिन मेनली ये 3 रीजन होते हैं। तो चलिए अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको मैं जो भी बताया हूं उसको एक बार फिर से समझाता हूं। अब आप क्या करना, अलर्ट होकर ध्यान से सारी चीजों को सुनना। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप अलर्ट हो जाइए और ध्यान से मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में आपको सारी चीजें बतलाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या करता है ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो चलिए मैं ब्लड वेसल्स बनाता हूं आपके सामने, देखिए। तो मान लो ये क्या है ब्लड वेसल्स, ये क्या है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या है ब्लड वेसल्स है ना। और आपको बताया कि इसकी इनरमोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं एंडोथेलियम, है ना। ये क्या है एंडोथेलियम है ना, ये क्या है एंडोथेलियम है, ठीक है, ये एंडोथेलियम है। और ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है,
ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्लॉट क्यों नहीं करता है। इसके कई रीजन होते हैं, जैसे कि मैंने पहला रीजन आपको क्या बताया, पहला रीजन मैंने आपको ये बताया कि जो एंडोथेलियम लेयर होती है वो क्या करती है, कई केमिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं एडीपी डिसफॉस्फेटेस हो गया, क्या हो गया, एडीपी डिसफॉस्फेटेस हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं, PGI2 मतलब क्या जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिंस हो गए। और ये जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कि ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम की लेयर पर स्टिक नहीं होने देते, मतलब चिपकने नहीं देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पहला रीजन तो ये होता है कि एंडोथेलियम लेयर जो होती है वो क्या करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है जो कि क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को रिपेल करते हैं। और आपको बताएं प्लेटलेट जो होते क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कहे के लिए, कोगुलेशन के लिए, है ना। तो पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, हिपेरिन, जो क्या करता है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। और अगर हम तीसरे की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, जिस कारण क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो क्लोट नहीं करता है, उसके मैंने ये सारे रीजन बता दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, है ना, अब मैं ब्लड क्लोटिंग की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे आपका ब्लड जो होता है वो क्या करता है, क्लोट करता है, ठीक है। तो देखिए, अब मान लो आपको इंजरी हो जाती है, मतलब आपको यहाँ पर मान लो किसी किसी प्रकार का कोई कट लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब मान लो आपको क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, मतलब आपकी ब्लड वेसल जो होती है क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है, ठीक है। ये मैंने क्या बता दिया, ब्लड वेसल रप्चर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एंडोथेलियम लेयर है ना, एंडोथेलियम लेयर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मान लो आपकी ब्लड वेसल्स क्या कर गई, आपकी ब्लड वेसल्स में क्या होगा, इंजरी हो गई, या आपकी ब्लड वेसल क्या कर गई, रप्चर कर गई, ठीक है। आपकी ब्लड वेसल्स क्या कर गई, रप्चर कर दी। तो जैसे आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या करती है, वहां पर इंजरी होती है या वो रप्चर होती है, तो इसके जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, कोलेजन फाइबर है, यहाँ पर कोलेजन फाइबर है ना, तो ये जो आपको रेड से जो मार्क कर रहा हूँ इसको मान लो क्या है, कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और क्या करते हैं, कुछ फैक्टर को लिस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मान लो कुछ फैक्टर को लिस्ट करते हैं, जैसे कि ये मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, वन वंडरबॉल फैक्टर, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, कुछ फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं, और ये जो वन वंडरबॉल फैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टिकी ग्लू होते हैं, स्टिकी ग्लू होते हैं, है ना, मतलब ये कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जो कि क्या करते हैं प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट को क्या कर देते हैं, जिस पर मतलब क्या होता है, प्लेटलेट आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है, तो इसके जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं, है ना। और ये जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, कुछ फैक्टर को रिलीज करते हैं, और जो फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, जिस पर क्या होता है कि प्लेटलेट्स आकर चिपक जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मान लो प्लेटलेट्स आकर चिपक गए। पहले हमने क्या देखा था कि एंडोथेलियम की जो लेयर होती है वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिस कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स स्टिक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर तो एंडोथेलियम जो होगी वो क्या करके रेप्चर कर गई है ना, जिस कारण जहां पर क्या हुआ था इंजरी हुई है, और यहाँ पर क्या हुआ है, रप्चर हुआ, वहां पर वो केमिकल रिलीज नहीं हो रहे हैं, और वहां पर क्या हो गया, ये जो फैक्टर रिलीज हो गए, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुए, और जो कोलेजन फाइबर क्या कर देते हैं, कुछ फैक्टर को रिलीज कर देते हैं, और जो फैक्टर होते हैं, इनका क्या होता है, स्टिक नेचर होता है, जिस पर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आकर चिपक जाते हैं। तो प्लेटलेट्स का इन वंडरफुल फैक्टर जो है, इन पर आकर स्टिक होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये जो
प्लेटलेट्स आकर स्टिक हुए कहाँ पर, इन फैक्टर्स पर आकर, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, एडहेरेंस, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसका अपन, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्लेटलेट्स इन फैक्टर पर आकर क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में क्या होता है, कई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर अल्फा ग्रेन्यूल्स, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ईटा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हो गए, जो ईटा ग्रेन्यूल्स हो गए, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ये किसको रिलीज करते हैं, एडीपी को रिलीज करते हैं, या किसको रिलीज करते हैं, ये या किसको रिलीज करते हैं, सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं, किसको रिलीज करते हैं, सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं। और ये सीरोटोनिन जो होता है, जो कि क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ये क्या करता है, जहां पर भी इंजरी हुई थी तो उन ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस कारण क्या होता है कि वहां से क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि ब्लड का लॉस जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये जो होती है, कि मतलब सीरोटोनिन केमिकल रिलीज हुआ, फिर जो कि क्या होता है, तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और ब्लड वेसल्स क्या कर जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज फर्स्ट बोलते हैं ब्लीडिंग की, क्या बोलते हैं इसको, या हिमोस्टेसिस की क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। देखो पहला तो क्या होता है, पहला तो क्या हुआ कि रप्चर हुई, एंडोथिलियम रप्चर हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोलेजन फाइबर एक्सपोज कर जाते हैं, है ना। और ये जो कोलेजन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर को रिलीज करते हैं। और ये जो फैक्टर जो होता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनका स्टिकी नेचर होता है, जिस पर क्या होता है, प्लेटलेट्स आकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। मतलब प्लेटलेट्स का इन फैक्टर पर आकर स्टिक हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स हो गया, जैसे कि बात करते हैं ईटा ग्रेन्यूल्स हो गए। तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि बात करते हैं एडीपी हो गया, जैसे कि बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन 2 हो गया, है ना, थ्रोम्बोक्सिन 2 हो गया। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं सीरोटोनिन हो गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये जो सीरोटोनिन होता है, वो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक है, और ये जो एडीपी हो गया, हाँ, ये जो एडीपी हो गया या थ्रोम्बोक्सिन ए टू हो गए, ये क्या करते हैं, मोर प्लेटलेट्स को, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि बात करते हैं ब्लड में क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट्स घूम रहे हैं, तो इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लेटलेट्स फिर और यहाँ पर क्या होते हैं, चिपकते जाते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, और चिपकते जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लेटलेट्स के ग्रेन्यूल्स के द्वारा इन केमिकल्स का रिलीज होना, इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। मतलब पहले तो क्या होता है, प्लेटलेट्स जो फैक्टर होते हैं उस पर आकर क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं अपन, एडहेरेंस ऑफ फैक्टर, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। फिर प्लेटलेट जो होती है, क्या करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। जैसे कि बात करते हैं एडीपी हो गया, थ्रोम्बोक्सिन ए टू हो गए। और ये जो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो होते हैं, क्या करते हैं, मोर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेटलेट्स के ऊपर दूसरा प्लेटलेट, दूसरे प्लेटलेट्स के ऊपर तीसरे प्लेटलेट, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स हो जाते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, एडहेरेंस अलग होता है। एडहेरेंस में क्या होता है कि प्लेटलेट जो होता है फैक्टर पे आकर चिपकते हैं, और एग्रीगेशन में क्या होता है, कि जब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडीपी को रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन ए टू को रिलीज करते हैं, तो मोर प्लेटलेट्स क्या होते हैं यहाँ पर, इनकी क्या होती है, ग्रुपिंग हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्लेटलेट जो होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होकर क्या रिलीज करते हैं, एडीपी को रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन ए टू को रिलीज करते हैं, सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं। और सेरोटोनिन जो होता है, एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जहां जिस कारण क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है, जहां पर इंजरी हुई थी वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है, और जिस कारण क्या होता है, ब्लड का लॉस कम होता है। दूसरा एडीपी हो गया, है ना, या
थ्रोम्बोएक्शन रेज करते हैं कौन, अल्फा ग्रेनुल्स या बीटा ग्रेनुल्स, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण क्या होता है, मोर प्लेटलेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, ये जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है मतलब एडीपी का रिलीज होना, थ्रोम्बोऑक्सीन का रिलीज होना, जिस कारण क्या होता है प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर क्या होते हैं अट्रैक हो जाते हैं, जिसे हम क्या होते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है ब्लीडिंग की सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज तो क्या होती है, फर्स्ट स्टेज तो क्या होती है सीरोटोनिन का रिलीज होना, दूसरी स्टेज क्या होती है एडीपी और थ्रोम्बोऑक्सीन रिलीज होते हैं, जिस कारण क्या होता है मोर प्लेटलेट्स यहाँ पर आगे क्या होते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं, और ये क्या होती है सेकंड स्टेज होती है क्लोटिंग की। और तिसरी स्टेज जो होती है, तिसरी स्टेज होती है जिसे हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर क्या होता है फिर सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, सीरीज ऑफ यहाँ पर क्या होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और लास्ट में क्या होता है इन सारी रिएक्शंस के लास्ट में क्या होता है फिब्रिनोजन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन होता है किसमें कन्वर्ट होता है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फिब्रिन जो होता है क्या होता है मोनोमर होता है, और ये जो फिब्रिन होता है जो कि क्या होता है मोनोमर होता है वो क्या करता है इन प्लेटलेट्स प्लग पे आकर जाल बना लेता है, क्या कर लेता है जाल बना लेता है, और यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी आकर क्या फंस जाती है, और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन की पूरी मैकेनिज्म होती है। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको क्या किया कि इस 10 मिनट में मैंने आपको पूरी क्लोटिंग का मैकेनिज्म समझा दिया है। चलिए अब हम नोट्स पर जाते हैं, और अब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको यही सारी चीजें को फिर से बतलाने वाला हूँ, और लास्ट की जो थर्ड स्टेज होती है उसको मैं डिटेल में बतलाऊंगा। ठीक है, तो अब चलिए अभी आप ध्यान से सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, किस हो गए है ना, अभी अगर जो भी स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना होगा ना तो अब मैं आपको जो बतलाने वाला हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरी क्लोटिंग का मैकेनिज्म पूरा बतला दिया, मैंने आपको क्या बोला कि मान लो हेल्दी एंडोथीलियम है, तो हेल्दी एंडोथीलियम से क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ना, क्या होता है यहाँ पर एडीपी फॉस्फेटेस रिलीज होते हैं, यहाँ पर क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं प्लेटलेट्स को एंडोथीलियम के लेयर पर स्टिक होने नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है मान लो एंडोथीलियम रप्चर हो जाती है तो उसके कोलेजन फाइबर जो होते हैं क्या कर जाते हैं एक्सपोज कर जाते हैं, है ना, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और इन फैक्टर्स का क्या होता है स्टिकी नेचर होता है, जिस पर प्लेटलेट्स आकर चिपक जाते हैं, और प्लेटलेट्स का इन फैक्टर्स पर आकर चिपकना इसे हम क्या बोलते हैं एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर चिपकते हैं तो प्लेटलेट्स में के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं क्या करते हैं सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं, एडीपी को रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करते हैं, है ना, और जो सीरोटोनिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो क्या करता है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है इंजरी वाले एरिया में क्या होता है कम हो जाता है, जिस कारण ब्लड का लॉस क्या होता है कम होता है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो एडीपी हो गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गए, ये क्या करते हैं मोर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है प्लेटलेट्स की ग्रुपिंग हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। और तीसरे स्टेज की हम बात करते हैं, और मतलब यहाँ पर दूसरी स्टेज में फिर क्या होता है प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जैसे क्या होता है एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट्स का, मतलब प्लेटलेट्स की क्या होती है ग्रुपिंग होती है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। और तीसरी स्टेज की बात करते हैं, तीसरी स्टेज में क्या होता है हीमोस्टेसिस की क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है, और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है ये क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन जो होता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और जो फिब्रिन जो होता है क्या होता है मोनोमर होता है, और क्या करता है प्लेटलेट्स प्लग पर क्या करता है जाल बनाता है, और जाल में क्या होती है कहीं आरबीसी डब्ल्यूबीसी आकर फंस जाती है, और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है ब्लड जो होता है क्या कर जाता है क्लोट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपको पूरी समराइज भी करके बता दिया, मतलब पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा साइज को डिटेल में देखते हैं, और अब मैं आपको नोट्स बताऊंगा ना, अगर आपने ध्यान से अलर्ट होकर सुना होगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके लिए आपको ये टॉपिक पसंद आ ही गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत जितनी कोशिश में करा उतना सिंप्लीफाई करने की, जितने मैं सिंप्लीफाई कर सकता था उतना मैंने इस टॉपिक को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, चलिए कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, बस वो रट लेते हैं कि थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम होता है वो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये मैकेनिज्म होती कैसे है, प्रोटीन फैक्टर कैसे काम करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको जो अभी बताया उसी चीज को हम क्या करते हैं एक बार फिर से नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स क्या हो जाएंगे एकदम आसान लगने लगेंगे। देखो आप, मैंने आपको क्या बताया,
देखिए आप, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड क्लोटिंग। अब मैं आप चालू करने वाले हूँ नोट्स से। देखो तो क्या हो जाएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड क्लोटिंग को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिमोस्टेसिस क्या होता है, अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, मतलब आपको कोई इंजरी होती है ना, और वहां से क्या होता है ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड का स्टॉपेज होना ही क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस होती है हम क्या बोलते हैं, हिमोस्टेसिस बोलते हैं। और हिमोस्टेसिस की तीन स्टेज होती है ना, तीन स्टेज होती है। जैसे की बात करते हैं अपन, देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मान लो आपकी ब्लड वेसल क्या कर जाती है, उसमें क्या होता है इंजरी हो जाता है ना, जिस कारण क्या होता है आपका एंडोथेलियम क्या कर जाता है, डैमेज कर जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। जिस कारण क्या होता है कि एंडोथेलियम के जो कोलेजन जो होते हैं क्या कर जाते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं, मतलब एक्सपोजर ऑफ कोलेजन हो जाते हैं। जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, जैसे कि बात करते हैं उन फैक्टर का नाम क्या होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर यहाँ पर क्या कर जाते हैं, रिलीज कर जाते हैं, ठीक है। और जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो होते हैं इनका क्या होता है, इनका क्या होता है स्टिकी नेचर होता है, इनका क्या होता है स्टिकी नेचर होता है, जिस पर क्या होता है, जिस पर क्या होता है प्लेटलेट्स आकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट। देखिए आप दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बात करते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स हो गया, जैसे बात करते हैं ईटा ग्रेन्यूल्स हो गए, है ना, वो क्या करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये जो केमिकल्स का रिलीज होना किसके द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, इसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट्स क्या कर जाती है एक्टिवेट कर जाती है। अब जैसे प्लेटलेट्स एक्टिवेट करती है तो क्या करती है, क्या करती है कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि बात करते हैं सीरोटोनिन, जो कि क्या होता है एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो कि क्या करता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिस कारण क्या होता है कि जहां पर इंजरी होती है वहां से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर ब्लड का लॉस क्या होता है कम होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, ये एडीपी को रिलीज करते हैं, या थ्रोम्बोएक्सिन A2 को रिलीज करते हैं। और ये जो एडीपी हो गया, थ्रोम्बोएक्सिन A2 जो होते हैं, ये क्या करते हैं मोर प्लेटलेट को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है प्लेटलेट्स की ग्रुपिंग हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होता है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या होती है सेकंड स्टेज होती है हिमोस्टेसिस की। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो फिब्रिन जो होते हैं वो क्या करते हैं प्लेटलेट प्लग पर क्या करते हैं जाल बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है फिर कहीं WBC वगैरह आकर फंस जाती है, और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, आपका ब्लड जो होता है क्या होता है जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जो कि क्या होती है हिमोस्टेसिस की तीसरी स्टेज होती है, ठीक है। चलिए अब ये जो तीसरी स्टेज है ना, ये जो तीसरी स्टेज है इसे हम क्या करने वाले हैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसे हम क्या करने वाले हैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो देखिए अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये जो तीसरी स्टेज है इसके तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसका फॉर्मेशन होता है, फिर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पर क्या होती है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या होता है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और एट द एंड क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है फिब्रिनोजन जो होता है, फिब्रिनोजन होता है जो कि क्या होता है एक तरह का पॉलीमर होता है, जो कि कैसा होता है, जो कि कैसा होता है सोल्यूबल होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है मोनोमर होता है, और कैसा होता है ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है दो पाथवे होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड क्लोटिंग जो होती है इसकी कितनी स्टेप होती है, तीन स्टेप होती है, ठीक है। और ये जो कैसे होता है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और इसकी कितनी स्टेज होती है, तीन स्टेज होती है, ठीक है। पहली स्टेप की बात करते हैं, पहली स्टेप में क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो दो पाथवे से हो सकता है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे से होता है, दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, ठीक है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन चाहे इंट्रिंसिक पाथवे से हो लेकिन चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो, लेकिन एट देन जो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है सेम बनता है। जैसे कि बात करते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे की अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इसकी इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं, तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, देखो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है
किस तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड को क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या होता है, कई सारे क्लोटिंग फैक्टर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं कितने होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, कितने 13 क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी क्लोटिंग फैक्टर जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और जैसे मान लो कोलेजन फाइबर क्या करती है, एक्सपोज करती है, और जैसे ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं कोलेजन से क्या करते हैं, स्टिक करते हैं, तो ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं क्या होता है, एक क्लोटिंग फैक्टर जो होता है दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहीं पर देखिए आप जैसे की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। लेकिन मान लो जैसे एंडोथेलियम क्या कर जाती है, एंडोथेलियम में जैसे मान लो क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है, और कोलेजन फाइबर जैसे क्या कर जाते हैं, एक्सपोज कर जाते हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर जिसमें से कौन सा क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर 13 जो होता है, क्लोटिंग फैक्टर 12 जो होता है वो क्या करता है, कोलेजन फाइबर से स्टिक करता है और क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ये क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, और मैंने आपको बताया ना कि एक क्लोटिंग फैक्टर जो होता है दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे ही कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर 12 जो होता है इस कोलेजन फाइबर से क्या करता है, स्टिक करता है और क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये कोलेजन, जैसे ये क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, तो ये किसको एक्टिवेट करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। फिर क्लोटिंग फैक्टर 11 जो होता है जैसे ही एक्टिवेट होता है, तो ये किसको एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। जैसे ये क्लोटिंग फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है, तो ये किसको एक्टिवेट कर देता है, क्लोटिंग फैक्टर 10th को एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो क्लोटिंग फैक्टर 10th जो होता है, क्लोटिंग फैक्टर 5th से कंबाइन करता है, प्लेटलेट्स फास्फोलिपिड्स क्या करता है, कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि जो क्लोटिंग फैक्टर जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। देखो हम कौन सी स्टेप देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्लोटिंग कैसे होती है, जो तीसरी स्टेज में हीमोस्टेसिस की जो तीसरी स्टेज होती है तो उसमें क्लोटिंग कैसे होती है हम वो देख रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी 3 स्टेप होती है, ये सारी स्टेप जो होती है सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड थ्योरी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, मेनली 3 स्टेप होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो सारे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेट स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, ये इनएक्टिवेट स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो क्लोटिंग फाइबर, क्लोटिंग फैक्टर जो होता है कौन सा, क्लोटिंग फैक्टर 12, वो कोलेजन फाइबर क्या करता है, स्टिक होता है और क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही ये क्लोटिंग फैक्टर 12 जो होता है क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो फिर किसको एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 11th को एक्टिवेट करता है। फिर क्लोटिंग फैक्टर 11th जो होता है वो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो किसको एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 9th को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अभी जो क्लोटिंग फैक्टर 9 जैसे एक्टिवेट होता है तो ये किसको एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 10th को एक्टिवेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्लोटिंग फैक्टर दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो क्लोटिंग फैक्टर 10th जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर 5th से कंबाइन होता है ना, और प्लेटलेट फास्फोलिपिड से कंबाइन होता है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी स्टेप होती है, पहली स्टेप होती है। अब जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है तो सेकंड स्टेप में फिर क्या होता है, अब देखो मैंने क्या बताया, इसकी 2 पाथवे होती है, सेकंड स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहली स्टेप में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से होता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का 2 तरह से फॉर्मेशन होता है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे, तो मैंने आपको अभी जो बताया वो क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, कि जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, है ना, जैसे कि मान लो देखो क्या हुआ था, एंडोथेलियम जैसे क्या की थी, इंजरी हुआ थी वहां पर, है ना,
तो कोलेजन फाइबर क्या कर गए थे, एक्सपोज कर गए थे, ठीक है। तो ये जो एंडोथीलियम जो होते हैं, इसके जो टिश्यू होते हैं, है ना, इसके जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर सिक्स जो होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सिक्स, है ना, ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सिक्स नहीं सेवन, क्लोटिंग फैक्टर सेवन तो जो होता है इसके प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, डायरेक्ट क्लोटिंग फैक्टर टेंथ का एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक्सटेंसिव पाथवे की बात करते हैं, तो एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है, एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है कि ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, देखो क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गए थे, मैं आपको बताया था कोलेजन फाइबर एक्सपोज कर गए, ठीक है। तो ये जो कोलेजन फाइबर एक्सपोज होता है वो क्या रिलीज करता है, वो क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर बोल सकते हैं अपन, है ना, वो क्या रिलीज करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, या इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम टिश्यू फैक्टर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसे हम टिश्यू फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेवन, किसको एक्टिवेट कर देता है, क्लोटिंग फैक्टर टेंथ को एक्टिवेट कर देता है, किसको एक्टिवेट कर देता है, क्लोटिंग फैक्टर टेंथ को एक्टिवेट कर देता है। अब उसके बाद सेम प्रोसेस भाई, क्लोटिंग फैक्टर टेंथ जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसे कंबाइन करता है, क्लोटिंग फैक्टर फिफ्थ से और टिश्यू फास्फोलिपिड से क्या करता है, ये कंबाइन करता है इन द प्रोसेस ऑफ कैल्शियम, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, दो तरह की पाथवे होती है, एक तो क्या होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दोनों ही पाथवे में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है वो क्या करता है, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करता है, सेकंड स्टेप में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, तीसरे स्टेप में क्या करता है, फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फिब्रिनोजन होता है कैसा होता है, पॉलीमर होता है, ये सोल्यूबल होता है ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन, जो कि क्या होता है, मोनोमर होता है और इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। फिर ये जो फिब्रिन होता है, ये जो फिब्रिन होता है क्या करता है, फिब्रिन फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क ऑन कट और बाउंड। मैंने आपको बताया ना कि प्लेटलेट प्लग पे, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड वेसल से है ना, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्लेटलेट प्लग बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्लेटलेट प्लग बना हुआ है। तो इस पर क्या करता है, इस पर क्या करता है कि जो फिब्रिन होते हैं वो क्या करते हैं, जाल बना देते हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या कर देते हैं, जाल बना देते, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जाल बनाते हैं। और जाल को और टाइट करने के लिए, इन जालों को और टाइट करने के लिए, पहले किस होते हैं, ये लूज फिब्रिन होते हैं, तो इनको और टाइट करने के लिए, यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर 13 जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इसको क्या कर देता है, टाइट बना देता है, और ज्यादा क्या कर देता है, टाइट बना देता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, क्लोटिंग होती है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, क्लोटिंग होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले पहले स्टेप में, पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे ही यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है, फिब्रिनोजन को, जो कि कैसा होता है, पॉलीमर होता है, जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, मोनोमर फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। फिर ये जो फिब्रिन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स प्लग पर जाकर जाल बनाते हैं। अब शुरुआत में तो कैसे होते हैं, लूज होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको टाइट बनाने के लिए क्लोटिंग फैक्टर 13 जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या कर देता है, ये जो लूज फिब्रिन स्ट्रैंड जो होते हैं इनको क्या कर देता है, टाइट बना देता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सारे जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं ब्लड में, और एक क्लोटिंग फैक्टर जो होता है दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। और अगर हम क्लोटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो टोटल क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, 13 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जितने भी 13 क्लोटिंग फैक्टर है ना,
और मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्या होते हैं रिएक्शंस होती है, स्टेप्स होती है, उन सब में क्या होता है कैल्शियम क्या करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है हर एक स्टेप में क्या होता है कोफैक्टर होता है, ठीक है। चलिए बिना कैल्शियम के तो क्या होगा प्रोटीन की मैकेनिज्म हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर एक स्टेप में क्या होता है कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है कोफैक्टर होता है, ठीक है। चलिए देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। देखो तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड ओकर थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर क्लोटिंग आर कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्लोटिंग करने के लिए जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं ब्लड में, है ना। लेकिन जैसे क्या करती है कि जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्सपोज होते हैं और जैसे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं। जैसे की बात करते हैं सबसे पहला जो एक्टिवेट होता है वो क्या होता है क्लोटिंग फैक्टर 12 होता है। फिर जैसे जो क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है तो क्या करता है बाकी सारे क्लोटिंग फैक्टर को भी क्या करता है एक्टिवेट करता है, ठीक है। टोटल कितने होते हैं 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और जो फैक्टर होते हैं मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विटामिन के जो होता है उसका तो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस क्लोटिंग फैक्टर। और टोटल क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं 13 होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये कितने होते हैं 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं और ये सारे क्लोटिंग फैक्टरों को आपको क्या कर लेना है याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है फिब्रिनोजन, दूसरा क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है क्या होता है कैल्शियम जो क्या होता है हर एक स्टेप में क्या होता है कोफैक्टर होता है, फिफ्थ क्या होता है प्रो एसिलरिन, सिक्स कौन सा होता है प्रेसेंस इसका। देखो अब जो सिक्स क्लोटिंग फैक्टर है इसका प्रेजेंस मतलब होता है या नहीं होता है इसका प्रेजेंस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या अप्रूव नहीं है। सेवंथ की बात करते हैं स्टेबल फैक्टर होता है, एट्थ की बात करते हैं एंटी हिमोफिलिक फैक्टर होता है, नाइन्थ की बात करते हैं क्रिस्पस फैक्टर होता है, टेंथ की बात करते हैं स्टेवर्ट प्रवर फैक्टर होता है, इलेवंथ की बात करते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, ट्वेल्थ की बात करते हैं हेगमैन फैक्टर और थर्टीन की बात करते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में क्या होता है जो लूज स्ट्रैंड होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 13 एंड कैल्शियम आयन कैसे हो जाते हैं टाइट स्ट्रैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं इनएक्टिव स्टेट में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और एक क्लोटिंग फैक्टर जो होता है दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लोटिंग के लिए ये सारे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं नेसेसरी होते हैं। और इन सारे क्लोटिंग फैक्टरों को आपको क्या कर लेना है याद कर लेना है ना, इंपॉर्टेंट है सारे क्लोटिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देख लिया है कि कैसे ब्लड की क्लोटिंग होती है और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ पर एक आपके एनसीएसएम के सिलेबस में एक और टॉपिक दिया गया है जो कि है एंटीकोगुलेंट। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं कौन से आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होते हैं। तो देखिए आप एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट वह सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं ब्लड को क्लोट नहीं होने देते हैं, है ना, जो क्या करते हैं विच प्रिवेंट या पोस्टपोन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कि बात करते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं वो क्या करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देते। अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे की बात करते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट एग्जांपल का जाएगा हिपेरिन हो जाएगा और हीरोडीन। हीरोडीन भी क्या होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो किससे प्रोड्यूस होता है लीच के द्वारा क्या होता है प्रोड्यूस होता है ना। लीच में क्या होता है ये नेचुरली क्या होता है प्रोड्यूस होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, या तो क्या करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं या कंबाइन कर जाते हैं किससे कैल्शियम आयन से। अब मान लो ये कैल्शियम आयन से क्या कर जाएंगे कैल्शियम आयन से क्या कर जाएंगे कंबाइन कर जाएंगे या ब्लड में क्या हो जाएगा कैल्शियम लेवल या ब्लड में क्या हो जाएगा कैल्शियम लेवल क्या कर जाएगा कम कर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा क्लोटिंग की मैकेनिज्म होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या होता है हर एक रिएक्शन में कोफैक्टर होता है। अगर मान लो कैल्शियम आयन नहीं होगा तो जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है कैस्केड थ्योरी वो जितने भी स्टेप से मतलब जितने भी रिएक्शन वो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो हर एक रिएक्शन में क्या होता है कोफैक्टर होता है। अब आप बोलेंगे भैया आप बार बार नीचे क्यों देख रहे हैं, तो मैं क्या देखता हूँ वो माइक को देखता हूँ। आपने देखा होगा ना पिछली दो वीडियोस में क्या हुआ था कि कुछ समय तक मतलब जब तक माइक चालू था तब तक तो मेरी आवाज जो थी वो वीडियो से मैच कर रही थी, मेरा ऑडियो जो था वो वीडियो से मैच कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद आपने देखा होगा लास्ट में अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको पता चला होगा कि मेरी लिपसिंग अलग हो रही है और मेरा ऑडियो अलग जा रहा है। आपने देखा होगा लास्ट में पिछले दो वीडियोस में, है ना।
इसके पुलाव में तो मैक्सिमम पार्ट ऐसा ही हुआ था। मैं बस बोलते जा रहा हूँ, मतलब लिपसिंग अलग हो रही है और ऑडियो अलग चल रहा है, तो ऐसा हुआ था, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी माइक को भी चेक करते जा रहा हूँ कि चालू है नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे आपको पता चलता है, देखो जो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पर, ये देखो देखो बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रीन लाइट जल रहा है, दिखा ये। अगर ये ग्रीन लाइट जल रहा है इसका मतलब क्या है, माइक चालू है। अगर मान लो ये बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, माइक बंद है ना। तो इसलिए मैं इसको क्या बार बार चेक करते जा रहा हूँ, क्योंकि बंद हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है, मेरे को इसकी जो आईपैड जो इसका ऑडियो लेना पड़ता है। इस कारण क्या होता है, फिर मेरी जो ऑडियो होती है वो अलग जाती है और वीडियो अलग जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार चेक करता हूँ, है ना। देखो तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन से क्या करते हैं, कैल्शियम आयन जो होता है उससे कंबाइन कर जाते हैं, जिस कारण क्या होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होता है, कम हो जाता है ना। और हमने देखा था कि हर एक रिएक्शंस में, प्रोटीन के हर एक रिएक्शंस में क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर होते हैं। अब कैल्शियम आयन ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन की मैकेनिज्म ही नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से जैसे कि बात करते हैं, ईडीटी हो गया, मतलब इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड हो गया, है ना, सोडियम साइट्रेट हो गए और सोडियम ऑक्सीडेट हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लड प्रोटीन को डिटेल में देख लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, और जो स्टूडेंट्स लास्ट तक लेक्चर को देखे हैं उनको शाबाश देना चाहता हूँ मैं, वेल डन, ठीक है। और इसी तरह से आप ध्यान से अगर पूरे लेक्चर को आप सुनोगे ना मेरे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। मैं जितनी जितना सिंप्लीफाई कर सकता था इस टॉपिक को उतना मैंने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अगर आप अलर्ट होकर सुन रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, देखो हेमोबॉडी सिस्टम के अभी दो लेक्चर और आएंगे, है ना, दो नहीं शायद तीन लेक्चर आएंगे। एक ब्लड ग्रुप का आएगा और नहीं दो ही आएंगे, एक ब्लड ग्रुप का आएगा और अपना एक किसका आएगा, किसका लास्ट टॉपिक है जॉन्डिस और एनीमिया का, बस दो लेक्चर और आएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कल या परसों में साथ में, मतलब अभी जो शेड्यूल है इसके तो लेक्चर दूंगा ही, लेकिन इसके साथ में मैं हिमोपोइटिक के भी लेक्चर देते रहूंगा, ठीक है। चलिए तो मस्त पढ़ते रहिए, लेक्चर को भी देखा कीजिए, है ना। पता नहीं कौन देखता है यार लेक्चर को, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे सारे लोग देखते हैं, है ना। तो मैं तो देखो, मैं तो अपने तरफ से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ध्यान से लेक्चर सुनिए और लेक्चर को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल किए हैं तो, ठीक है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि देखो नोट्स में क्या होता है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। आपको कब समझ आता है, जब आप लेक्चर देख लेते हो, और जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे ना उसके बाद जब नोट्स पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को कोशिश करता हूँ कि एकदम सिंपल सिंपल, मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब है ना। मैं तो इसलिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, और इसलिए मेरा जो लेक्चर लेट आने का मेन रीजन ही यही है। मेरा मतलब यह है कि मैं भले थोड़ा एक लेक्चर कम दूँ या थोड़ा लेट दूँ, लेकिन क्वालिटी एकदम मेंटेन रहना चाहिए, आपको बस समझ में आना चाहिए। अगर मैं फटाफट 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 अपना काम कर दूँ, लेक्चर आपको दे दूँ और जैसे जैसे मतलब खाना पूर्ति कर दूँ, और आपको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या ही मतलब है। इसलिए मैं या तो भाई थोड़ा लेट हो गया चलेगा, लेकिन पर क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, और मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हाँ क्वालिटी आपको एकदम मेंटेन रहेगी, और हर लेक्चर में मेरी सेम एनर्जी आपको मिलेगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को सुन रहा है उसको समझ में आए, ठीक है। चलिए, और मैं ऐसा करता भी रहूंगा आगे भी, है ना। और आप देखो, आप ना सिलेबस की टेंशन, मतलब कि आपके दिमाग में आता होगा कि यार भैया सिलेबस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। मैं आपके एग्जाम से पहले ही, है ना, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उससे पहले ही, उससे तो मैं कहीं पहले आपके सारे लेक्चर आपको दे दूंगा, सारे नोट दे दूंगा। और जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं वो भी टेंशन मत लीजिए, है ना, आपके एग्जाम के 1 महीने पहले मैं पूरा पूरे नोट्स आपको दे दूंगा। मैंने आपको बताया ना कि 70% वीडियो मिलेंगे, तो वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन नोट्स जो है, जो कि मैंने आपसे वादा किया 100%, तो मैं पूरे दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। चलिए तो मस्त आप पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।